हेलो गाइस, मोनिका दिस साइड। आज हम लोग करेंगे जर्मन में नंबर्स, कि जर्मन में नंबर्स कैसे बोले जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, अगर आप जर्मन आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, जर्मन सीखना चाहते हैं, तो ये नंबर है, आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप क्लासेस ले सकते हैं। ओके, सो अब हम जर्मन में नंबर्स सीखेंगे। तो नंबर्स कैसे होते हैं जर्मन में? जर्मन में नंबर हिंदी की तरह होते हैं, हिंदी में जैसे पैटर्न फॉलो किया जाता है। लेकिन बट उससे पहले मैं आपको 1 to 12 बता दूं कि 1 to 12 कैसे बोले जाते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कैसे वो हिंदी वाला हमें लॉजिक लगाना है। तो फॉर एग्जांपल, ये है हमारे नंबर, तो इसको बोलते हैं हम नुल, जीरो को बोलते हैं हम नुल। ये है हमारा आइंस, क्या है ये? आइंस। देखो मैंने ई आई बताया था ना आपको, आई बोला जाता है, तो ये है आइंस। देन ये है स्वाय, देन ये है द्राय, देन ये है फियर, ये है आपका फ्यून्फ, ये है आपका जेक्स, ये है आपका जीबन, ये है आपका आक्ट, ये है आपका नॉयन, ये है आपका सेन, ये है आपका एल्फ, ये है आपका स्योल्फ। ओके, सो पहला है नुल, दोबारा बता देती हूँ, नुल, जीरो को बोला जाता है नुल। दूसरा है आइंस, आइंस, स्वाय। अब आप ये सोचो कि इसको ज क्यों नहीं पढ़ रहे, ये तो वोवल के साथ नहीं है। एक्चुअली देखो, जेड को ना अगर अकेला देखा जाए तो ये साही सेट, अगर आपको याद होगा इस लेटर को सेट बोला जाता है, तो इसको स्वाय ही पढ़ेंगे। तो ये है स्वाय, और ई आई हमें पता ही है आई होता है, तो ये स्वाय पढ़ा जाता है। ये है हमारा द्राय, द्राय। ये है हमारा फियर, देखो आई ई आ गया ई, तो ये हो गया फियर। ये हमारा फ्यून्फ, उमलाउट आ गया फ्यून्फ। ये हमारा जेक्स, जा ई के साथ जेक्स। अच्छा, यहां पर ये ख पढ़ा जा रहा है, तो ये एक्सेप्शन समझ लो, जेक्स। ये हमारा जीबन, जीबन, एस के साथ आई ई का कॉम्बिनेशन ई होता है, और वॉवल मिला जा हो गया, ये हो गया जीबन। ये है आक्ट, ये है नॉइन, नॉइन। ये है सेन, मैंने जेड के साथ ई बताया था तो सा हो जाता है, तो ये सेन हो गया, सुष्मिता सेन लाइक। ये हो गया एल्फ, एल्फ। ये हो गया स्योल्फ, स्योल्फ। अभी ना आप ये समझ लो कि W साइलेंट है सपोज, तो इसको स्योल्फ बोला जाएगा, हल्का सा बोला जा रहा है स्योल्फ। तो ये स पढ़ा जा रहा है क्योंकि हमने W को भी साइलेंट मान लिया, तो ये हो गया स्योल्फ। क्या हुआ? नुल, आइंस, स्वाय, द्राय, फियर, फ्यून्फ, जेक्स, जीबन, आक्ट, नॉइन, सेन, एल्फ, स्योल्फ। एक बार आप मेरे पीछे बोलिए तो आपको याद हो जाएगा, इसको एक बार देखना है। नुल, आइंस, स्वाय, द्राय, फियर, फ्यून्फ, जेक्स, जीबन, आक्ट, नॉइन, सेन, एल्फ, स्योल्फ। ओके, अब हम आगे की काउंटिंग की बात करते हैं। तो आगे की काउंटिंग है लाइक 13। अब 13 कैसे बना, 13 कैसे बनता है 10 plus 3? चलो मैं इंग्लिश में बात करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने आपको नंबर दिया, तो ये नंबर हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? 45, यानी कि पहले आप 40 बोलते हो, देन आप 5 बोलते हो। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो आप इसे कैसे बोलते हो? 45, लाइक इसको क्या बोलोगे? 35, यानी कि पहले पीछे वाला नंबर बोला जाता है, फिर 40 बोला जाता है। 45, यानी कि पहले 5 बोला जा रहा है, फिर 40 बोला जा रहा है। ऐसी 35, पहले 5 बोला जा रहा है, फिर 30 बोला जा रहा है, राइट? हिंदी में पीछे वाला नंबर पहले बोलते हैं, फिर आगे वाला नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या होता है? पहले हम आगे वाला बोलते हैं 45, बट हिंदी में क्या बोलते हैं? 45, यानी कि पहले 5 बोलते हैं, फिर 40 बोलते हैं। तो जर्मन में भी हिंदी की तरह होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, 13 कैसे बना? 10 plus 3, तो अब आपको कुछ नहीं करना, 12 तक तो आपको काउंटिंग याद ही है। तो 3 को क्या बोलते हैं? मैंने क्या बोला? हिंदी की तरह करना, तो पीछे वाला नंबर पहले, तो 3 को क्या बोलते हैं? द्राय, और 10 को क्या बोलते हैं? सेन। तो बस इसको ऐसे ही करना है, द्राय सेन। तो 14 को क्या बोलेंगे? फियर सेन। 14 कैसे बना? 10 plus 4, तो पहले 4 बोला, 4 हमने अभी सीखा था फियर, देन सेन, तो फियर सेन हो गया, राइट? 15 को क्या बोलेंगे? फ्यून सेन। अच्छा, मैं ये
कोशिश करती हूँ कि मैं ऊपर ही आपको दिखाऊं, तो आपको अभी काउंटिंग याद नहीं होगी, तो आपको कैसे यूज करना है इसको ये समझ में आ जाएगा। हाँ जी, तो सपोज ये आपके पास काउंटिंग आपके सामने है, अब आपको आगे के नंबर करने हैं। फॉर एग्जांपल आपको 13 करना है, तो 13 कैसे बना था हमारा 10 प्लस 3, तो 3 पहले पीछे का नंबर बोलेंगे द्राए, तो क्या बोलेंगे द्राए, एंड देन 10 को हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था सेन, तो हमने क्या किया द्राए सेन, राइट। 14 को क्या बोलेंगे 15 16 17 18 19 एंड 20, राइट। तो 14 को हम बोलेंगे, 14 कैसे बना, पहले पीछे 4 नंबर, तो 4 को क्या बोलते हैं हम फियर, तो फियर सेन, ऐसे ही 15 को क्या बोलेंगे फ्यून्फ सेन, पीछे वाली काउंटिंग फ्यून्फ देन सेन लगा दिया। 16 को जेक्स सेन, अब देखो टेक्निकली ये आना चाहिए क्योंकि जेक्स हमने ये स्पेलिंग सीखी है, तो हमने ऐसे लगा दिया, राइट। बट यहां एक्सेप्शन है, मैं आपको हाईलाइट कर देती हूं अलग कलर से, पहले मैं इसको करेक्ट कर देती हूं। आप लॉजिकली ये लगाएंगे, बट मैं आपको ये बताना चाहूंगी एस और जेड कभी दोस्त नहीं होते, ये साथ में नहीं आते, तो एस को हटना पड़ता है, तो एस हट जाता है, तो इसका एग्जैक्ट क्या हो जाता है, ये हो जाता है जेक सेन, मतलब एस हट जाता है, तो ये एक्सेप्शन है, तो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर देती हूं कि काउंटिंग में जो एक्सेप्शन हैं, जहां हल्के फुल्के चेंजेस हैं, तो ये इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, करेक्ट स्पेलिंग है। देन 17, तो 17 क्या होना चाहिए, टेक्निकली जीबन आना चाहिए फिर सेन आना चाहिए, लेकिन जीबन सेन नहीं आता। देखो आप ये लगाओगे जीबन सेन, लेकिन ये नहीं होता, ईएन नहीं आता, ईएन नहीं आता, तो यहां इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया, जीब सेन, ये करेक्ट है, तो इसको मैं एक्सेप्शन में डाल देती हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ, ये एक्सेप्शन है, तो क्या प्रोनंसिएशन है इसका, जीब सेन, जीब सेन, स्पेलिंग इसमें से ई एन हट जाता है, ये एक्सेप्शन है। देन 18 को क्या बोलेंगे, 18 को बोलेंगे वही सेम, 8 को बोलते हैं आक्ट, देन हमने लगाया सेन, आक्ट सेन। देन 19 को अगेन 9 सेन, मतलब 9 है एंड देन 9 सेन। 20 एक्सेप्शन है, अगेन 20 को बोला जाता है स्वानजिश, मतलब वहां से नहीं उठाया जाता, स्वानजिश। अच्छा मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, अगर आईजी आपको लास्ट में मिले तो ये इश की साउंड निकालता है, ये भी, तो ये इश स्वानजिश, अब ये ज की तरह साउंड कर रहा है स्वानजिश, क्योंकि ये इश आ गया और ज अकेला रह गया, तो स्वानजिश इसको पढ़ा जाता है स्वानजिश, ये भी एक्सेप्शन है, तो आप इसको, आपको ये याद करना है स्वानजिश, राइट। तो आज हमारी 20 तक काउंटिंग हो गई है, तो आप एक बार इसको देखना, एक बार खुद ट्राई करना, तो आपने क्या सीखा इसमें, सिर्फ आपको 12 तक काउंटिंग याद करनी है, उसके बाद आपको एक पैटर्न फॉलो करना है, लाइक हिंदी, हिंदी में पहले पीछे का नंबर बोला जाता है, तो इसमें भी आपको पीछे का नंबर लेना है देन आगे का नंबर लेना है। इसमें सिर्फ दो एक्सेप्शन है, 16 और 17, 16 में एस साथ में नहीं आता जेक सेन में, और जीबन में 17 में जीबन में ई एन नहीं आता, तो जीब सेन हो जाता है, 17 में क्या हो जाता है जीब सेन, जीबन सेन नहीं होता, एंड ऐसे ही 20 20 आपका स्वानजिश हो जाता है, राइट। अब आगे की काउंटिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको समझ में आया होगा, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, आप कमेंट करते हैं, आप शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है, थैंक यू वेरी मच।